सोलन में जाने माने मॉल को जिला प्रशासन द्वारा राशन बेचने की अनुमति जरूर प्रदान की थी, लेकिन इस मॉल द्वारा राशन के साथ साथ अन्य सामान भी बेचा जा रहा था। ये आरोप सोलन के व्यापारियों ने इस व्यवसायिक संस्थान पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान द्वारा प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का गलत उपयोग किया गया और जरूरी सामान बेचने की आड़ में गैर जरूरी सामान भी बेचा जा रहा था, इसलिए इस संस्थान की अनुमति को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। रोष व्यक्त करते हुए नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से व्यापारी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने अपने व्यवसायिक संस्थाएं बंद कर रखी हैं। केवल राशन और सब्जी बेचने वालों को दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन सोलन के जाने माने व्यवसायिक संस्थान ने जरूरी सामान के साथ साथ गैर जरूरी सामान बेचना भी शुरू कर दिया था, जो सरासर गलत है, इसलिए इस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कोविड-19 महामारी जो पूरे विश्व में फैली है और उसको लड़ने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में इस सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनके आह्वान पर आम जनता और हमारे छोटे छोटे दुकानदारों ने इसका पालन करते हुए अपने व्यावसायिक जो परिसर हैं उनको बंद किया है। और जो एसेंशियल कमोडिटी है, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटी आती है जैसे राशन, सब्जी की दुकानें, फल और डेयरी की दुकानें, इनको खोलने का, और उसके बाद कुछ मोबाइल रिपेयर की दुकानें 2 दिन के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बर है, उनको खोलने की इजाज़त स्थानीय प्रशासन ने दी है। पर मैं अभी आपके माध्यम से ये जानकर बड़ा मुझे वो हो रहा है, खेद हो रहा है कि एक बड़ा शॉपिंग मॉल जिसको केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने बंद करवाया गया, सभी मॉलों को, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, सभी को बंद कराया गया है, तो ऐसे में एक व्यावसायिक परिसर को खोलना जिसका नाम आपने भी किया विशाल मेगा मार्ट, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है और जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे व्यावसायिक परिसर में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन नहीं हो रहा और सरकार के जो आदेश हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि वो सिर्फ ग्रोसरी ही ना बेचकर उसके साथ अन्य जो सामान बेच रहे हैं, इसलिए मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने इस परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद करें, और अगर उनको ग्रोसरी बेचनी है तो उसका एक कंपार्टमेंट अलग बनाकर उस सिर्फ ग्रोसरी वहाँ से बेचें, अन्य सामान को ना बेचें, जिससे दुकानदारों में भी रोष होगा और आम जनता में भी इसका नुकसान होगा, इसलिए मेरा ऐसे व्यावसायिक केंद्र को खोलने में मेरा सख्त एतराज़ भी है, और इससे हमारे दुकानदारों में जो रोष फैलेगा उसको लेकर मैं ऐसे प्रयास की निंदा भी करता हूँ। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूँगा कि इमीडिएट ऐसे मॉल को जो है बंद कराया जाए।